नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा यूनिक वीडियो तो नहीं है, कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर इस तरीके के मिल जाएंगे कि कैसे ईमेल किया जाए, कैसे कोई फाइल को सेंड या अटैच किया जाए। लेकिन मैं आज एक छोटा सा ऑप्शंस बताता हूँ। जितने भी मैंने देखा है हमारे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं और भी जो लोग होते हैं, इवन हमारे जो सहकर्मी जो लोग होते हैं, उनको सभी को एक अजीब सी समस्या आती है। और वो समस्या कहाँ आती है, जब हम जीमेल में किसी डॉक्यूमेंट को अटैच करने जाते हैं तो वो जो है हमारे सिस्टम का एक बेसिक फंक्शन पेज को ओपन करता है, जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि हमने जिस डॉक्यूमेंट को सेव किया था वो भले ही आपने नेम से किया हो, न्यूएस्ट किया हो, डेट वाइज किया हो, लेकिन वो हमें दिखता नहीं। आज हम आपको एग्जांपल देंगे कैसे आप एक पीडीएफ बनाएं। जो मैं पीडीएफ आपको दिखाने वाला हूं वो आप किसी भी एप्लीकेशन से बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, एडोब स्कैन एक एप्लीकेशन है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था दोस्तों, वो भी मैं आपको जो है एक लिंक में दे दूंगा। इसके बाद जो है दोस्तों, आप चाहें तो यहां आकर कागज़ स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी मेड इन इंडिया है पूरी तरीके से, ये एड फ्री है, इसमें कोई भी एड और ब्रेक नहीं आते हैं, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। इसी के थ्रू मैं आपको दिखाकर और मेल सिखाता हूँ कि कैसे हमें यहीं से मेल करना है, ना कि हमें पर्टिकुलर ईमेल के ऐप पर जाकर। देखिए, हम प्लस साइन पर यहाँ क्लिक करेंगे, ये हमने एक फोटो ले लिया है इसका, ये यहाँ से हमने इसका दूसरा फोटो ले लिया है, यहाँ से हम प्रोसीड पर क्लिक कर रहे हैं। ये हम प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इसको जो भी आप अपने सीसी हो, प्रोजेक्ट हो, प्रैक्टिकल फाइल्स जो भी हो, यहाँ से आप वन बाय वन उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना क्रॉपिंग पार्ट उसमें चाहिए रहता है। ये देखिए दोस्तों, हमने क्रॉप कर लिया है, हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ये दोनों पेजेस आ गए हैं। आप चाहें तो यहाँ मैजिक कलर्स का इस्तेमाल करके, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, ये ग्रे हो गया, ये मैजिक कलर 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये ओरिजिनल है। हम ओरिजिनल रख के यहाँ से डन करते हैं। डन करने के बाद दोस्तों ये आ गया है, दोनों सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस आप यहाँ पे आगे पीछे भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहें तो आप प्लस साइन पर क्लिक कर सकते हैं नीचे, नहीं तो आप राइट का जो टिक मार्क है इस पर क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर कागज़ 2021-03-08 इस नाम से ये आ गया है। अब हमें यहाँ पे तीन डॉट पर यहाँ क्लिक करना है, ये आप देख पा रहे होंगे तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे आ गया है रीनेम, यहाँ से हमने रीनेम कर दिया है। और मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट लिख के हमने यहाँ से सेव कर दिया है। देखिए ऊपर लिखा गया है आपका प्रोजेक्ट, या आपकी पीडीएफ ओपन हो गई है, आप इसको जो है पीडीएफ को देख सकते हैं। अब करना क्या है, यहाँ आने के बाद आप ये तीन डॉट पर आएंगे, तीन डॉट पर आने के बाद आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा आ रहा है शेयर डॉक्यूमेंट, आप यहां से शेयर कर सकते हैं, आप इसकी इमेज को गैलरी में सेव कर सकते हैं, आप सेव एज इसको पीडीएफ कर सकते हैं, यहां से किसी फोल्डर में मूव कर सकते हैं और यहां से इसको डिलीट कर सकते हैं। हम सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और शेयर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। शेयर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ से दो ऑप्शन देता है, क्या आप इसको जेपीजी बनाना चाहते हैं या पीडीएफ। हम ज़्यादातर फाइल्स को पीडीएफ में सेंड करते हैं तो हम शेयर एस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, पीडीएफ बन गई है, नीचे ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे, व्हाट्सएप, जीमेल, ब्लूटूथ, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ आते हैं। हमें यहाँ से जीमेल पर जाना है, जब भी हमें कॉलेज को, स्कूल को, ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको भी मेल करना हो। अब आप यहाँ से शेयर विद मेल पर जाएंगे, मेल पर जाने के बाद दोस्तों ये देखिए ऊपर आपकी आईडी आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, जिस आईडी से आप इसको सेंड कर रहे हैं। नीचे आप उस आईडी को सिलेक्ट करें जहां पर आपको आईडी पर, जिस आईडी पर आपको सेंड करना है। यहां जाने के बाद आप जो है इसको नीचे कर सकते हैं और ऊपर आप यहां पर लिख सकते हैं डियर सर, मैडम, नीचे आप अपना मैटर लिखेंगे, नाम लिखेंगे। इसके बाद देखें ये नीचे प्रोजेक्ट डॉट पी डी एफ 713 KB की ये फाइल इसमें अटैच हो गई है, ये यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं, ये हमने सेंड कर दिया है और ये मेल जो है पर्टिकुलर उस आईडी पर चला गया है। और उस आईडी पर जाने के बाद देखिए ऊपर हमें मेल भी आ गया है, क्योंकि मैंने खुद को ही कर लिया था वो मेल जो है आईडी पर आपको दिखाने के लिए। देखिए दोस्तों, इनबॉक्स में लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ फाइल आपको दिख रही है, इसको आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। ये देखिए डाउनलोड हो रही है और डाउनलोड होते ही ये जो है यहाँ से देखिए आपके ड्राइव में
ओपन हो गई है। तो आपने जिसको भी ये पीडीएफ भेजा है इजीली इस तरीके से पहुंच जाएगा। अभी जो ज़्यादातर शिकायतें आती हैं वो इस तरीके से आती हैं कि हम अटैच नहीं कर पाए, या आप लोगों के ईमेल्स जो है ब्लैंक आते हैं, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं होता है, और फिर एक स्टूडेंट और जो भी मेल भेजने वाला होता है वो कई सारे मेल्स मल्टीपल टाइम्स भेज देता है इसी आशा में कि उसका पीडीएफ इस बार तो सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को रिवर्ट करके एक बार और देख सकते हैं। जब आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे, आप इजीली सीख जाएंगे कि हमें डायरेक्ट मेल एप्लीकेशन पर नहीं जाना है, हमें डॉक्यूमेंट बनाना है, वहाँ से शेयर करके जीमेल ऑप्शन पर क्लिक करके फिर हमको पर्टिकुलर व्यक्ति को मेल करना है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए अगर आपको ये समझ में आया है, ये कैसा लगा आप लोगों के लिए, हेल्पफुल है, और किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं। मैं ऐसे और वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आता रहूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग दोस्तों हमें ऊपर देख पा रहे होंगे, आप जो है हमें फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, जो है हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के जो पेजेस हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।